अलायंस जो है हमारा बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। इससे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ कुछ बयान आते रहे और उसका नुकसान न हो? नुकसान तो होता ही है। बिहार की सियासत में इन दिनों इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाने वाले हैं, क्या वाकई नीतीश उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं। इन तमाम कयासों और अटकलों के बीच नीतीश के नेतृत्व को लेकर बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बीजेपी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी को कुशवाहा यह बताने से नहीं चूक रहे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व के बगैर गठबंधन चलना मुश्किल होगा। कुशवाहा ने आज एक बार फिर से यह बात दोहराई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी या तमाम लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बिहार में एनडीए की पहली और आखिरी शर्त नीतीश कुमार का नेतृत्व है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के नेतृत्व को लेकर जो कुछ कह रहे हैं उसकी ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी यह भी समझना होगा। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरी भूमिका दी जा सकती है। खुद नीतीश कुमार ने जिस तरह बाढ़, बख्तियारपुर और नालंदा में जनसंपर्क अभियान चलाया उसके बाद भी यह चर्चा होती रही कि क्या नीतीश विदाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुशवाहा और नीतीश कुमार के दूसरे नेताओं ने लगातार यह कहा है कि नीतीश के बगैर बिहार में गठबंधन नहीं चल पाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं आज एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। सीधी बात है, एनडीए अलायंस जो है हमारा बीजेपी और जेडीयू, इसकी सबसे पहली शर्त है नीतीश कुमार का लीडरशिप। तो जब तक एनडीए है तब तक यह शर्त रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन। निश्चित रूप से देखिए, बयानबाजी से तो नुकसान होता ही है। अब इसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि रोज कुछ कुछ बयान आते रहे और उसका नुकसान न हो? नुकसान तो होता ही है, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए सब लोगों को। लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि इस तरह का बयान जो आते रहता है कि आपस में मिल बैठ कर एक कम्युनिकेशन गैप जैसा हो जाता है। मिल बैठ कर अगर कुछ चर्चा चाय पीते रहें, बातचीत होती रहे, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वैसी स्थिति मैंने चाय पिए हम लोग गपशप करते रहें, मिलते जुलते रहें, इसको करना पड़ेगा। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined.